पापा जी। हाँ बेटा। ये रहा आपका मोबाइल और ये रहा आपका रुमाल, लाइए इसे मैं आपके पॉकेट में डाल देती हूँ। थैंक यू बेटा। ये क्या पापा, आज आपने फिर से गलत बटन लगाया है। कोई बात नहीं, हम लोग आज फिर से बटन लगाना सीखेंगे। देखिए, पहले आपस में इसे ऐसे मिलाएंगे, एक छोर से दूसरी ओर, दाहिने से बाईं ओर की जो होल है उस पे ऐसे करके बटन लगाएंगे। एक बटन लगते ही ये सारा बटन अपने आप देखे सामने आ गया। लग गया, कितना आसान है ना। थैंक यू बेटा। अब मैं जाऊं? ठीक है पापा, जाइए, लेकिन आप याद से एक बार राहुल को कॉल कर लीजिएगा, वो आपको घर ले आएंगे पिक करके। राहुल? राहुल आपका बेटा, लेकिन आप उसको कॉल कैसे करेंगे? पता नहीं बेटा। देखिए, इसमें उनका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ। और इधर एड्रेस भी लिखा हुआ है घर का, इसे मैं आपके पॉकेट में डाल देती हूँ। ये रहा आपका चश्मा, जब आप चश्मा निकालेंगे तो पर्ची अपने आप बाहर आ जाएगा, उसमें नंबर और एड्रेस दोनों लिखा हुआ है, याद से राहुल को कॉल कर लीजिएगा, वो आपको पिक करके घर ले आएंगे। ठीक है बेटा, अब मैं जाऊँ वहाँ पे? ठीक है पापा, लेकिन एक बार रुकिए, मैं राहुल से बात कर लेती हूँ। हेलो राहुल, पापा घर से निकल रहे हैं वॉक के लिए। ठीक है, जाने दो, मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं उन्हें कॉल करके पिक कर लूँगा। ओके, मेरा राहुल से बात हो गया है, वो भी बॉस को एयरपोर्ट पे छोड़कर निकल ही रहे होंगे, वो आपको पिक करके ले आएंगे घर, ठीक है? आप याद से राहुल को कॉल कर लीजिएगा, और जब तक राहुल से बात ना हो आप पार्क में ही रहेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ, बाय बेटा। बाय पापा। बेटा, अच्छे से जाइएगा पापा, और याद से राहुल को एक बार कॉल कर लीजिएगा, वो आपको पिक करके घर ले आएंगे, और जब तक आपका राहुल से बात ना हो आप पार्क में ही रहिएगा। ओके पापा। बिन्ना भाई, ऐसा नहीं लग रहा है, हम लोग का जीवन यार बहुत सूखा रूखा हो गया है भाई। हाँ लिंडा, ना कोई रंग है ना कोई शोर शराबा, कई दिनों से तो यार पार्टी भी नहीं किया। सही कह रहे हो भाई, बहुत दिन हो गए भाई मुर्ग मसलम खाए हुए। बात तो तुम भी सही कह रहे हो लिंडा, लेकिन क्या करें, कई दिनों से ना कोई मुर्गा मिला है ना कोई हाथ मारा, ऊपर से पुलिस वाले इतने चाक चौबंद हो गए कि क्या हो भाई। तुम ठीक बोलते हो, बिंडा भाई मिल गया। क्या? मुर्गा। मुर्गा? हाँ भाई, कहाँ कहाँ? वो देखो, वो देखो, मोबाइल बाहर रख के और आंख भी मूंद लिया है, मानो ऐसा कह रहा हो लिंडा बिंडा आओ और मेरा मोबाइल लेकर जाओ। हाँ तो फिर देरी किस बात की, उड़ाते हैं मोबाइल, करते हैं आज पार्टी भाई। लेकिन मैं तो तंदूर चिकन खाऊंगा भाई। अरे जो मन है वो खा लेना भाई, बुढ़े क्या करते, मोबाइल तो उड़ा ले। दंपति की बात कर चलो।
समोसा खाइएगा का? अरे एक नंबर गर्मा गर्म मसालेदार समोसा है, एक बार खाइएगा हमेशा याद रखिएगा। लगा दे तुमको समोसा, अरे खाइए एकदम हरियर चटनी के साथ है? और मिजाज एकदम हरियर हो जाएगा, समझे? हाँ लीजिए। अरे कहाँ बाबूजी, पैसा देने भूल गए आप लग रहा है। पैसा तो नहीं है। पैसा नहीं है तो मोबाइल से मार दीजिए हैं? आजकल कहाँ कोई छिटिया पैसा रखता है, मोबाइल से मार दीजिए हैं? मोबाइल भी नहीं है भैया। क्या? मोबाइल भी नहीं है। मोबाइल भी नहीं है और पैसा भी नहीं है तो ऐसे का सेठिए में खाने चला है, हैं? आ जाते हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ से, अरे यहाँ मांग के खाने चले जाते हैं। अरे ऐसे ही ऐसा आदमी लोग बताइए, तुम सब सूट सही सलामत है, कमाइए खाइए हैं, बताइए इनको कब आ जाते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ से, नहीं तो अभी सब कुछ भूख लगा हुआ था। अरे जाके काम धाम कीजिए ना, ऐसे ही आदमी या तो चोरी करता है या मांग के खाता है, अब मुझे खराब कर दिया। हेलो राहुल, पापा ने कॉल किया? अरे नहीं यार, ऊपर से उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। क्या, मैंने तो उनके पॉकेट में तुम्हारा नंबर और घर का एड्रेस लिख के डाल दिया था। अच्छा ठीक है मैं पार्क में जाके देखता हूँ। हाँ जल्दी जाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं पापा कहाँ चले गए। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। हाँ ओके। घर में बहन बेटी नहीं है क्या जो वो जैसे खूबसूरत लड़की को घूरे जा रहे हो? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुझे नहीं घूर रहा था, मैं भूख लगी थी, मैं तो खाने को देख रहा था बेटा। इन लोगों का यही हाल है, जब तक मार नहीं पड़ती है ना तब तक ये लोग सुधरते भी नहीं है। चल भाग यहाँ से, नहीं बुलाते पुलिस को भी। देखी बेबी, मेरा बेटा तुमको छेड़ देगा। हाय मेरे बेबी लव। Love you too.
अरे बुढ़े, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता है? अरे मरना है तो कहीं और जाकर मरो, मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ रहे? जाने दो भैया, गलती हो गई इनसे, बुजुर्ग आदमी है। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं शहर में मरने के लिए। क्या हुआ बाबा, आपको रोड क्रॉस करना है क्या? चलिए। पानी पीजिएगा बाबा, रुकिए देता हूँ। ये लीजिए। ठीक है, कहाँ रहते हो बाबा आप? इधर आरामनगर की तरफ, आरामनगर में रहते हो आप? हाँ यस सर, बस रास्ते में। हाँ हाँ, फौरन पहुंच रहा हूँ बाबा। मुझे जाना होगा, आप यहाँ से सीधे जाओगे और सिग्नल क्रॉस कर लेफ्ट लोगे तो आप आरामनगर पहुंच जाओगे। आपका घर कहाँ है अंकल? आपका घर कहाँ है अंकल, बताइएगा नहीं तो आपको घर पहुंचाएं कैसे? घर कहाँ है? अरे अजीब आदमी है यार। अच्छा छोड़िए, मुझे क्या पता तुम्हारा घर कहाँ है? घर पहुँचा दो मुझे, घर नहीं पहुँच पा रहा हूँ बेटा। अरे अंकल, जब तक बताओगे नहीं कि तुम्हारा घर कहाँ है तब तक मैं कैसे छोड़ दूंगा? बोलो तो पुलिस को बुला देता हूँ। बोलिए, मदद करोगे बेटा? मदद? पैसा चाहिए? अजीब धंधा बना लिए हो तुम लोग, कहीं भी रुक करके किसी से भी पैसा मांगने लगते हो। नहीं बेटा, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ। हाँ, उसी को मदद का नाम देकर के भीख मांग रहे हैं। नहीं बेटा, मुझे मेरा घर पहुँचा दो बेटा। कोई आईडी कार्ड वगैरह है आपके पास? नहीं है बेटा, नहीं। नहीं है तो फिर कैसे पहुँचा? जाइए आगे, जाइए। आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? मेरा घर नहीं मिल रहा बेटा।
मुझे मेरा घर पहुंचा दो। ठीक है ठीक है। आपके घर का पता है आपके पास? अच्छा, शायद घर वाले ने कोई पर्ची दी होगी आपको। पॉकेट वगैरह चेक कीजिए, शायद उसमें पर्ची हो, उसमें एड्रेस लिखा हो। अच्छे से चेक कीजिए। D4 Evershine Cosmic Apartment, वसंत विहार। अच्छा, तो यहाँ रहते हैं आप? अरे मैं भी तो उसी तरफ रहता हूँ। मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा, ठीक है? थैंक यू बेटा। आप बेटा भी बोल रहे हैं और थैंक यू भी बोल रहे हैं। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आइए मेरे साथ, मेरे कार में बैठिए। आइए आइए। थैंक यू बेटा। बोला ना कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम अपने सारे काम छोड़कर मेरे लिए परेशान हो। मेरा घर भी उसी तरफ है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे बेटा, तुम यहाँ किनके साथ रहते हो? यहाँ मैं, मेरी वाइफ और मेरे पिताजी। बहुत खुशकिस्मत है तुम्हारे पापा तो तुम जैसा बेटा उन्हें मिला। मेरे पिताजी ने तो मुझे मदद करना सिखाया है। पता है, मेरे पिताजी का कहना है कि दूसरे की मदद करने का मौका सौभाग्य से प्राप्त होता है। सही बोलते हैं तुम्हारे पापा। वैसे बेटा, तुम क्या करते हो? मैं पहले ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता था, लेकिन अपनी वाइफ के साथ अब इंडिया वापस आ गया हूँ। कोई दिक्कत हुई थी वहाँ क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। चलिए, मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब रहती है तो उनका केयर करना पड़ता है। क्या हुआ तुम्हारे पापा को? कुछ खास नहीं, बस उम्र का तकाजा है। कुछ चीजें वो भूल जाते हैं कभी कभी। काफी मुश्किल होता होगा ना? नहीं, मुश्किल तो नहीं, लेकिन उनका केयर थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। पता है, एक बार वो खो गए थे, बहुत मुश्किल से फिर मिले थे। भगवान का लाख लाख शुक्रिया बेटा, वो मिल गए। वैसे बेटा, तुम्हारी वाइफ क्या करती है? मेरी बीवी भी इंजीनियर है, लेकिन ऑफिस का सारा काम अपने घर से ही टैकल करती है। पता है, आज क्लाइंट के साथ उसका वे मीटिंग भी था। बिचारी को बहुत दिक्कत हो जाता होगा ना? नहीं, दिक्कत तो नहीं होती, हम लोग दोनों मिलकर मैनेज कर लेते हैं। अब पिताजी के लिए इतना तो करना बनता है। बेटा, भगवान तुम जैसा बच्चा सबको दे। पापा, कहाँ खो गए थे पापा? मैं नुपुर, आपकी बहू। याद है सुबह आप घर से गए थे, मैंने आपका शर्ट का बटन ठीक किया था। नुपुर? हाँ पापा। बेटा नुपुर, मुझे सब याद आ गया। बेटा, मुझे सब याद आ गया। आइए पापा, अंदर आइए। मैं भी अंदर आ जाऊं? आ जा बेटा। बेटा ये मैं राहुल, इन्हें अंदर लेके चलिए। चलिए पापा। राहुल, बेटा राहुल। हाँ पापा, मैं आपका बेटा राहुल। बेटा राहुल, सॉरी बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचान सका। नुपुर, बेटा, मैं नहीं पहचान पाया। कोई बात नहीं पापा, चलिए बैठते हैं पापा।
राहुल राहुल तुम्हें पापा मिले कहाँ और कैसे? तुम्हारे फोन कॉल के बाद मैं पापा को ढूंढने पार्क में गया। जब पापा पार्क में नहीं मिले तो मैं बाहर आकर पापा की फोटो दिखाकर आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया। तभी समोसे के स्टॉल वाले ने बताया कि उसने इन्हें देखा है और वो सामने वाले रास्ते की तरफ गए। जब मैं पापा को ढूंढने सामने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि पापा आराम नगर वाले सिग्नल से थोड़ी दूर आगे में बैठे हुए हैं। फिर क्या था, मैं पापा को घर वापस ले आया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पापा मिल गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अब मैं इन्हें कहीं अकेले जाने नहीं दूंगी। बेटा तुम दोनों को रहते मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। बेटा हम सब जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं हमारे अंदर एक भूलने की प्रवृत्ति थोड़ी बहुत आने लगती है, लेकिन अल्जाइमर्स रोग सिर्फ भूलने का रोग नहीं है, ये रोग मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और ये बीमारी भूलने की समस्या से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मस्तिष्क में रोग का प्रभाव बढ़ता है दूसरे लक्षण भी आने लगते हैं और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के रोजमर्रा के कार्यों में कठिनाई होने लगती है, संवाद स्थापित करने या संवाद में कठिनाई होने लगती है, साथ ही साथ मनोदशा को भी ये प्रभावित करता है। तो इसके लक्षण अगर देखा जाए तो व्यक्ति जो बातें पुरानी बातें नई बातें जो रोजमर्रा में वो उसके संज्ञान में आते हैं व्यक्ति उसको भूलने लगता है, नई चीज़ें सीखने में उसे कठिनाई होने लगती है और कई बार ये चीज़ें होती है कि वो रास्ता भूलने लगता है, भटकने लगता है, उसको रास्ता का ज्ञान नहीं होता है, चीज़ों का नाम भूलने लगता है, कपड़ा पहनना भूल सकता है, सामान का जो किस तरह का उपयोग है वो भूल सकता है। अगर उसके हाथ में चश्मा हाथ में आ जाए तो उसे पता नहीं चलेगा कि चश्मे का इस्तेमाल कैसे करना है, चाहे वो ब्रश करना भूल सकता है, कंघी करना भूल सकता है, ये सब समस्याएं आ सकती है। परंतु जो रोग सामान्यता जब शुरू होता है तो ये हल्की फुल्की भूलने की समस्या से शुरू होती है और अगर इसको नज़रअंदाज किया जाता है तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसमें और लक्षण आ जाते हैं। अब रही बात कारण की, तो कारण इसके यही है, जब मैं कहता हूँ मस्तिष्क का रोग है तो एक किस्म से मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होने लगता है और साथ ही साथ उसमें जो क्षतिग्रस्त हिस्सा होता है वो एक टेंगल्स के रूप में जो मेडिसिन की भाषा में कहा जाए वो जमा होने लगता है, साथ ही साथ कुछ जो मस्तिष्क के रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनमें भी त्रुटियां आ जाती है और एक किस्म से जब हम लोगों को समझाते हैं तो एक किस्म से इस तरह से समझा जाता है कि मस्तिष्क धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, उसका वॉल्यूम कम होने लगता है और जैसे जैसे ये रोग आगे बढ़ता जाता है समस्याएं और गंभीर होती जाती है। कोई भी व्यक्ति जो अल्जाइमर्स का रोगी है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने परिवार के सानिध्य में रहे, साथ रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकती है, वैसी चीज़ों से उसे बचना चाहिए। मसलन अगर व्यक्ति बाहर निकलता है तो घर वालों को बता करके बाहर निकले कहाँ जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब नए व्यक्तियों से मुलाकात करते हैं तो अगर नाम याद नहीं आ रहा है तो वो अपने अंदर उसके अंदर एक किस्म का एक हिचक होता है कि वो किस तरह से अपनी कमजोरी को व्यक्त नहीं करना चाहता कि मैं सामने वाले का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो वैसी स्थिति में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए और बार बार याद करने की एक आदत को बनाए रखना चाहिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सवाल करने से बचना नहीं चाहिए, वो जितना अधिक अपने परिवार के लोगों से अन्य लोगों से सवाल करते रहे वो बहुत अच्छा होता है।